ग्वालियर में पेपर सामने में शामिल होने के लिए आए स्वास्थ्य मंत्री पूरम चौधरी ने कहा कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, हमेशा जनता के बीच में रहती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मध्य प्रदेश की जनता है। मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का ज्ञापन भी लिया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि आपकी मांगों पर प्रचार चल रहा है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि पूर्व में भी आपकी मांगों पर कई बार हमने सहमति दी है। इसको लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी नाराजगी जाहिर की, क्योंकि उनकी सिर्फ 2 सूत्री मांग है कि उन्हें नियमित की जाए और 90% वेतनमान दिया जाए, लेकिन अब तक इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों में काफ़ी रोष भी है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से अब इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं, कांग्रेस ये दावा कर रही है कि आप 65 सीटों पर सिमट जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है और हमेशा जनता के बीच में रहती है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मध्य प्रदेश की जनता है और भारी मतों के साथ और बहुमत के साथ में, 2/3 बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में विजय होगी। जिस तरह से मंत्रियों के बीच में आपसी तनाव चल रहा है, सागर की बात कर लें तो भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत आपस में तनातनी है, सीएम नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं है किसी भी प्रकार का, सब में आपस में सब एक साथ। ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो है आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, इनका कहना है कि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, पहले भी आंदोलन किया है, अभी फिर आपसे मिले हैं और मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आपसे, क्यों इनकी बातें नहीं मान रहे हैं आप? नहीं, संविदा कर्मचारियों से हमारी बातचीत हुई है, इसके पहले भी बात हुई थी, उनकी कई मांगें हम लोगों ने पहले भी मान ली थी, बाकी कुछ मांगों के ऊपर डिस्कशन चल रहा है और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। महाकाल लोक में जिस तरह के करप्शन के चार्जेस लगा रहे हैं दिग्विजय सिंह, तो कह रहे हैं 80% कमीशन लिया है सरकार ने। नहीं, ये तो निराधार है, इस तरीके के किसी आरोप नहीं लगाने चाहिए, बेबुनियाद आरोप। नारायण त्रिपाठी जी की चेतावनी किस तरह देखते हैं?